हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास छात्राओं के लिए, जो छात्राएं ट्वेल्थ पास कर चुकी हैं या जो छात्राएं अभी ट्वेल्थ में पढ़ रही हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है। देखिए, आप इसका नाम शायद ना सुने हों, लेकिन अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं तो आप इसका नाम ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ ऑफलाइन बैच में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्टकट में यूपीएससी कहा जाता है, यूपीएससी एक संस्था है जो कि दिल्ली में है, इसका मुख्यालय, और ये विभिन्न प्रकार के पदों पर चयन करने के लिए परीक्षाएं कराती रहती है। जैसे इसका DMSDM आप लोग सुनते हैं, जैसे IAS और IFS हो गए, ठीक है, फॉरेन सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये जो करवाता है, ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनका चयन करवाता है, परीक्षा करवाता है, जिसे सिविल सेवा कहा जाता है। आगे बात करें तो आज हम किस पर बात करेंगे। दरअसल NDA ने एक प्रोसेस निकाला, अभी तक देखिए NDA की जो परीक्षा होती है UPSC कराता है, और ये साल में दो बार होती है, लेकिन अभी तक ये रूल था कि इसमें सिर्फ बॉयज़ ही जा सकते थे, गर्ल्स नहीं जा सकती थी, लेकिन इस बार से ये रूल आया कि अब इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं डिफेंस में, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ठीक, तो NDA क्या है अब बात करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन NDA की परीक्षा करवाता है, ये आप समझ गए। अब बात करें NDA क्या है, तो NDA है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एक एकेडमी है, यानी हम ये कह सकते हैं एक रास्ता है आर्मी में ऑफिसर बनने का। ठीक है, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, तीनों भारत की तीनों सेनाओं में जो है ऑफिसर बनने का एक रास्ता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए आपको UPSC की परीक्षा से गुजरना होता है। अब UPSC की परीक्षा की हम बात करें, जो कि NDA की परीक्षा कहा जाता है, पहले बात कर लें कि इसमें कुल पद कितने हैं। तो बेटा इसमें 400 टोटल पद हैं, जिसमें आर्मी के 208 पद हैं, नेवी के 42 हैं और एयरफोर्स के 120 हैं, और नेवल एकेडमी के 30 पद हैं। नेवल एकेडमी भी नेवल नेवी में ही आ जाता है, तो टोटल इसके 72 हो जाते हैं। अब बात करें कि इसमें जो है कितनी फीस है, तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये फ़ीस है और SC ST की महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आर्मी के लिए जो योग्यता है वो 12th पास या अपेयरिंग, यानी कि 12th लेवल की कोई भी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, 10+2 लेवल की। उसके अलावा और किसी भी बोर्ड से आप पास हो सकते हैं पूरी इंडिया में, सेंट्रल बोर्ड से हो या राज्य बोर्ड से हो। एयरफोर्स की बात करें तो इसकी योग्यता है 12th+PCM, मतलब 12th आप पास होने चाहिए, और वो भी PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। आपके पास मैथ ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप एयरफोर्स और इंडियन नेवी का फॉर्म भर सकते हैं इन NDA के थ्रू। आयु की बात करें हम अगर, तो आपका जो जन्म है वो 2/1/2003 से पहले ना हुआ हो और 1/1/2006 के बाद में ना हुआ हो, इसी के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करें कि हाइट कितनी ले रहे हैं, कि जो सबसे बड़ा सवाल है सभी बच्चों का कि सर हाइट कितनी लेंगे, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, हाइट का जो प्रोसेस वो ये है कि सामान्य कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फिट 2 सेंटीमीटर, बहुत ही कम ली गई है, आसानी से हो जाएगा। फिर बात करें SC ST, तो इनकी एकमात्र 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था इसका प्रोसेस कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। अब बात करेंगे कि इसमें जो है पेपर कितने होते हैं। तो देखिए, दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण। इसमें पहला चरण जो होता है उसको हम कह सकते हैं लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम होता है। और इस रिटन एग्ज़ाम में आपके दो पेपर होते हैं, ठीक है, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है मैथ का, और पेपर सेकंड जो होता है वो होता है जीएस का। पेपर फर्स्ट में मैथ आती है, वो भी मैथ कितने नंबर की आती है, 300 नंबर की, और मोस्टली इसमें 12th लेवल की मैथ होती है। एकाध क्वेश्चन 10th लेवल से भी आ जाते हैं, बाकी 12th और 11th लेवल की इसमें मैथमेटिक्स आपकी मिलेगी, अलजेब्रा वगैरह मिलेगा, कैलकुलस वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये 12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। तो अगर आप आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर, इसीलिए। और अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप थोड़ी सी तैयारी करके मेहनत करके इसको निकाल सकते हैं। जीएस की बात करें तो जीएस में सबको तकलीफ़ होती है। जीएस में आपका सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसके अलावा आपका जो है पर्यावरण भी आ जाता है, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। इसके अलावा इसमें फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री भी है, एक आध क्वेश्चन बायोलॉजी के भी पूछे जा सकते हैं। ये इसका सिलेबस है जीएस का, ठीक है। तो ये जो जीएस का पेपर होता है ये बेटा होता है 600 नंबर का, यानी कि पहली लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम है वो टोटल आपका बन जाता है 900 नंबर का। इस 900 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको एसएसबी की तरफ से कॉल आता है, ठीक है, या कॉल लेटर आता है आपके लिए एसएसबी की तरफ से। दूसरा चरण हमारा आ जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, और ये एसएसबी द्वारा लिया जाता है। एसएसबी एक संस्था है, और ये जो है लगभग 5 दिनों तक आपका इंटरव्यू लेती है, लगभग 5 दिनों तक ये आपका इंटरव्यू लेते हैं। जिसको निकालना होता है पहले दिन ही वो निकल जाता है बाहर। अगर कोई कैंडिडेट पहले दिन बाहर नहीं हुआ है तो उसे फिर पूरे 5 दिन बिताने पड़ते हैं, भले ही उसे लास्ट में सिलेक्शन ना मिले, ठीक। तो ये इसका प्रोसेस है, 5 दिनों तक आपका इंटरव्यू होता है। अगर उसे भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एकेडमी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, डिटेल्स में सिलेबस को जानना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में सिलेबस का एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के पास, अपने जान पहचान लोगों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग अधिक से अधिक फॉर्म को भर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।